गैस के साथ रिलीज कर आपको छूट देना चाहिए, क्या करना है? देखिए इसका तो मैंने पहले भी कहा है और यही मैं चाहता हूँ कि जो वंचित समाज है, जो वंचित वर्ग है, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं तो उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ जो सक्षम हो गए हैं, अगर आप सक्षम हो गए हैं तो आप मतलब अब एहसान करें कुछ अपने पे, और अगर आप छोड़ेंगे तो अगले को अवसर मिल जाएगा। किस पर इशारा? देखिए किसी खास व्यक्ति पर इशारा नहीं, मैं वैसे लोगों के बारे में कहना चाह रहा हूँ जो कि आरक्षण का लाभ जब से दिया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण के बारे में आर्टिकल 15 में भी एक लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ 10 वर्षों तक है, और जब 10 वर्षों का लाभ है तो जो उसका आरक्षण का लाभ लेकर अपने आप को सुदृढ़ कर चुके हैं, सक्षम कर चुके हैं, अब उनका दायित्व तो बनता है वो अपने समाज को और अपने बाद वाली जो पीढ़ी और उनसे जो वंचित वर्ग है उसको वो सक्षम बनावे। मैं यही चाहता हूँ कि जो उसका आरक्षण जिस चीज़ के लिए दिया गया है उसका वो सही उपयोग। आगे की रणनीति क्या है? इसमें रणनीति क्या है, मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ कि जो भी सक्षम है वो आगे आए और गैस सब्सिडी की तरह वो भी आरक्षण का लाभ छोड़े, और जो सक्षम है उनसे तो मैं विशेष आग्रह करूँगा, और आगे की रणनीति मैं उनसे मांग करूँगा, उनके पास जाके कहूँगा कि आप आरक्षण का लाभ छोड़ दें। आंदोलन करेंगे? आग्रह करेंगे, आंदोलन उसके बाद ही होता है। चुनाव में वैसे जो लोग जो लड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से ही बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों के, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर वो लोग मेरी बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों तक ही अपनी बात को पहुँचाना चाह रहा हूँ। ना सिर्फ चुनाव लड़ने वालों की बात आप करें, वैसे उद्योगपति भी हैं, वैसे बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं जो बार बार पुनः एक ही घर में सारा लाभ जा रहा है, वैसे लोगों को तो मतलब छोड़कर अन्य लोगों को देना चाहिए ना। अब अगर ये क्या चाहते हैं कि जो समाज का जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी तो इसका लाभ मिलना चाहिए। आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो सपना किसके लिए देखा था? वो समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं उनके लिए देखा था, तो उनको तो इसका लाभ मिलना चाहिए। और उनको लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है कि जो लोग वर्षों से यहाँ पे इस लाभ को ले रहे हैं, कुंडली जमा के बैठे हुए हैं, इसलिए वैसे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं उन लोगों के से कहना चाह रहा हूँ, हाँ विधानसभा लोकसभा अच्छे अच्छे पदों पे, जितने महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे ये आग्रह करता हूँ, मैं किसी एक खास व्यक्ति विशेष से नहीं ये बात करता। यशुमी जी, चिराग पासवान का नाम संतोष झा से जुड़ा है, संतोष झा से उनकी दोस्ती थी, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, मैंने ये लोकसभा सांसद हैं, क्या लगता है इस बार होंगे क्या? देखिए ये तो जांच का विषय है, ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं भी इसके बारे में कुछ जानता नहीं, मैं भी अखबार और मीडिया के माध्यम से ही देखा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जाँच होनी चाहिए, अब ये जाँच का विषय है, जाँच होगा, जो होगा दूध का दूध है पानी का पानी, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं।